दिल्ली के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने भी प्रचार तेज कर दिया है। समयपुर बादली के वार्ड नंबर 20 से कांग्रेस उम्मीदवार सीमा यादव के समर्थन में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व विधायक देवेंद्र यादव ने रोड शो किया और लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी। सभी समस्याओं को पूरा करने का वादा भी किया। रिपोर्ट देखिए। समयपुर बादली वार्ड नंबर 21 से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार सीमा यादव ने गुरुवार को एक रोड शो किया, जिसमें इलाके के तमाम लोगों से सीमा यादव ने मुलाकात की। सभी लोगों ने उम्मीदवार सीमा यादव को फूल की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा यादव ने इलाके की समस्याओं को पूरा करने की बात कही। लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है और इनका बहुत समर्थन मुझे मिल रहा है। भाई देवेंद्र यादव जी के मार्गदर्शन में मैं अपने क्षेत्र के विकास कार्य में लगी रहूंगी जी। नालियों की सफाई करना, अपने क्षेत्र के लिए साफ और हैदरपुर का पानी लेके आना, और खत्ता जो भाई साहब ने चालू करवाया था उसको अच्छी तरह से पूरी तरह से हटवाना, और मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगी अपने क्षेत्र से। एक रुपया ना खाऊंगी ना किसी को खाने दूंगी, ये मेरा पहले लक्ष्य होगा। हाँ जी, जनता मुझे भरपूर सपोर्ट कर रही है, ये आप भी देख सकते हैं। समयपुर बादली वार्ड नंबर 20 से सीमा यादव के रोड शो में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी और पूर्व विधायक देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, साफ सफाई जैसे तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 15 सालों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और अब जनता बदलाव चाहती है। देखिए, मुद्दे अनेक हैं। मुद्दे भ्रष्टाचार है, मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, साफ सफाई है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 साल कॉरपोरेशन में राज किया है सिवाय भ्रष्टाचार के, आज कॉरपोरेशन की हालत ये कर दी है कि उसके पास पैसे नहीं है अपने कर्मचारियों को पैसे देने के लिए। तो ये हालत किस वजह से हुए? सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से। हम वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई मजबूती कर रहे हैं। हम यहाँ आज आप देख रहे हैं वार्ड 20 में हमारी सीमा यादव जी यहाँ से कैंडिडेट है। जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोग बदलाव चाह रहे हैं, लोग इनके साथ इनके लिए आशीर्वाद लेकर आए हैं, प्यार लेकर आए हैं और उम्मीद के साथ इनको चुनना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है 4 तारीख को एक मजबूत कॉरपोरेशन में हमारे जो कांग्रेस के वो कैंडिडेट्स होंगे वो जीत कर आएंगे। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि रोड शो में स्थानीय लोगों का एक बड़ा सैलाब दिखाई दे रहा है। सैकड़ों लोग हाथों में कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर जाते हुए नजर आ रही हैं। रोड शो के दौरान महिलाएं, बुजुर्ग और युवा, हर वर्ग का व्यक्ति दिखाई दे रहा है। रोड शो के दौरान लोगों ने कहा कि जो पार्टी इलाके की समस्याओं को दूर करेगी, हमारी परेशानियों को हल करेगी, हम चाहते हैं वही पार्टी एमसीडी में आए। देखो, सबसे पहली बात तो हमारे यहाँ पे करने वालों को ही वोट मिलती है, सबसे पहली बात तो ये है। और हमें लगता है कि कांग्रेस ने जो यहाँ पे इस गांव के लिए किया है, शायद और किसी पार्टी ने आज तक कोई काम किया नहीं है। इसलिए हमें तो उम्मीद है कि भाई भगवान करे कांग्रेस पार्टी आए, या जो करेगा वो आएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो जी, हम तो विकास, बेरोजगारी, महंगाई, गुंडागर्दी, लूट खसोट, देश की संपत्ति बेची जा रही है वो, और हम ये देख रहे हैं 71 साल में जो हमने कमाया था 7 साल में हम गंवा चुके सब कुछ। तो हम तो आ गए जुमलेबाजियों के चक्कर में आने नहीं, फोकट की चीज़ देने वाले नहीं सी, हम भिखारी तो है नहीं, हमने तो रोजगार चाहिए। हम भी 4-5 किलो आटे में हम भिखारी है क्या? और 4-5 किलो आटा में केजरीवाल तो एक क्विंटल आटा रोज दूंगा, मतलब मेरे को रोजगार दे दो, मेरे बच्चों को दे दो। भाई मार से पूरी कीमत लो, बस में पूरा किराया लो, गैस सिलेंडर जितने का उतने दो, बाकी रोजगार दो, हमारे पे तनख्वाह होगी तो हम सब चीज़ अपना ले लेंगे। तो हम तो इन तय जुमलेबाजियों तक तंग आ लिए जी। हमने तो वही पुराना राज चाहिए जो 15 साल शीला दीक्षित ने करा, विकास आपने पता है, उसकी मरम्मत करवाने वाला नहीं है कोई जितना उकरगी। बहरहाल दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार लगातार इलाके में रैलियां और रोड शो कर रही हैं, लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। लेकिन देखना अब ये होगा कि 4 दिसंबर को दिल्ली की जनता किसके हक में फैसला सुनाएगी। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए साहिल भांबरी की रिपोर्ट।